sp2 प्रसंस्करण के परिभाषा और इसके अंतर्गत जो बॉन्ड एंगल का आबंध कोण का निर्माण होता है या परसेंटेज कैरेक्टर का अध्ययन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का सहारा ले रहे हैं। ये एग्जांपल हमें सबके बारे में सारा डिटेल दे पाएगा। और वो है फॉर्मेशन ऑफ BCl3, जो आप सभी स्टूडेंट एक बार एक हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते समय जब जिस दिन स्टार्ट किया गया था देख चुके हैं। तो BCl3 का निर्माण, BCl3 में केंद्रीय परमाणु कौन है? बी बोरॉन, सेंट्रल एटम बोरॉन है। और बोरॉन का परमाणु संख्या आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 5 होता है। और 5 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p1। तो अगर हम इसके भूमिज अवस्था, जिसको इंग्लिश में ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, हिंदी कल लिख चुके हैं आप लोग, GS, G फॉर ग्राउंड, S फॉर स्टेट, ग्राउंड माने भूमिज और S माने स्टेट, अवस्था, भूमिज अवस्था में, भूमिज अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें कोई परमाणु शुरू में प्रारंभ में स्थित होता है, यानी प्रारंभिक अवस्था को ही, आद्य अवस्था को ही भूमिज अवस्था कहा जाता है। पी में जैसा कि आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस भूमिज अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से देखकर एक सवाल का जवाब दीजिए। और वो सवाल है कि बताइए BCl3 के निर्माण के लिए, BCl3, ये रहा BCl3 के लिए कम से कम 3 अयुग्म इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसके बाद इस भूमिज अवस्था के विन्यास को देखने से लग रहा है केवल 1 अयुग्म इलेक्ट्रॉन है, यानी ये बोरॉन भूमिज अवस्था में BCl3 बनाने के लायक ही नहीं, इसके पास क्षमता नहीं है कि भूमिज अवस्था में, जहां ये जिस अवस्था में रहता है, बना दे BCl3। यही कारण है कि हम इसको उत्तेजित अवस्था में ले जा रहे हैं, एनर्जी देकर उत्तेजित अवस्था का बात कर रहे हैं। होगा क्या कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा, और ऐसा होने से क्या होता है, 3 ऐसे ऑर्बिटल दिखाई देने लगते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हैं, और जिसको हम प्रसंकरित अवस्था में देख सकते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेने जा रहे हैं। तो वही भाग लेने जाएगा जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहाँ 1 2s का है और 2 2p का है, 1 2s का है और 2 2p का है। तो 3 ऐसे ऑर्बिटल हमें दिखाई देने लगे जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का है। अब ये तीनों ऑर्बिटल उठकर प्रसंकरण में भाग लेने जा रहा है। बारी बारी से ये 2s, ये 2px, ये 2py, और तीनों के पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन है। आप लोग को हम बता चुके हैं कि जब जितने संख्या में परमाणविक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतना ही संख्या में नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भाग ले रहा है 3, तो निर्मित भी होगा 3। तो ये रहा प्रथम प्रसंकरित ऑर्बिटल, ये द्वितीय प्रसंकरित ऑर्बिटल और ये तृतीय। ये तीनों प्रसंकरित ऑर्बिटल का नाम क्या पढ़ना चाहिए? sp2, क्योंकि 1s और 2p के मिलने से बना है, इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा? sp2 पढ़ा। तो अब ये बोरॉन अपने आप को उस लायक बना लिया है कि 3 क्लोरीन से साझेदारी कर सके, अतिव्यापन कर सके। अभी तक हम लोग जो देखे ये प्रसंकरण के कॉन्सेप्ट के तहत था, कॉन्सेप्ट मतलब प्रसंकरण के विचार के अंदर था। अब हम आगे जो BCl3 का निर्माण देखने जा रहे हैं वो अतिव्यापन के माध्यम से हो पाएगा। तो ये है बोरॉन का 3 नए प्रसंकरित ऑर्बिटल। ये बोरॉन का है।
और अब इस तीनों अच के एकदम एक सिद्ध में आकर क्लोरीन का वो कौन सा ऑर्बिटल होगा जो यहां अतिव्यापन करने आएगा, इसके लिए आप क्लोरीन का एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 को तोड़ तोड़कर 3px2 3py2 3pz1, तो वो 3pz होगा। यही 3pz बारी बारी से तीन sp2 प्रसंगित ऑर्बिटल से अतिव्यापन करेगा और अतिव्यापन करके यहां पर बॉन्ड का निर्माण करेगा। ये तीन प्रसंगित ऑर्बिटल आ चुका है तो बीच में रहा बोरॉन और तीन किनारे से यह अतिव्यापन करते हुए आप देख रहे हैं क्लोरीन को और सभी प्रासंगिक ऑर्बिटल दोनों प्रासंगिक ऑर्बिटल के बीच का एंगल 120 डिग्री और इसका नाम है sp2 और इसका नाम है 3pz। तो अतिव्यापन किसके किसके बीच हुआ है? sp2 और 3pz के बीच। और इस तरह बी बॉन्ड सीएल कौन सा आकृति ले पा रहा है आप अच्छे से देख पाएंगे। त्रिभुजाकार आकृति को ग्रहण किया। अब आप बॉन्ड एंगल से लेकर परसेंटेज से लेकर हर एक बात को इस एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। जो एक एक शब्द आया है परिभाषा में वो भी दिखेगा। जब एक ही परमाणु का, एक ही परमाणु बोरॉन का ये ऑर्बिटल है, जब एक ही परमाणु का समान ऊर्जा वाला एक s एवं दो p ऑर्बिटल आपस में अंतः मिश्रित होता है, तीन नए प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ये है तीन नए प्रसंगित ऑर्बिटल। ये तीन नए प्रसंगित ऑर्बिटल एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे 120 डिग्री पर और ये बोरॉन का तीन नया बना हुआ ऑर्बिटल है। अब बारी बारी से ये क्लोरीन तीनों से आकर अतिव्यापन करेगा और बॉन्ड का निर्माण करेगा और इस तरह BCl3 बन जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इसके परिभाषा का, जब एक ही परमाणु का एक s दो p ऑर्बिटल जो समान ऊर्जा का होता है आपस में अंतर्मिश्रित होता है तो तीन नए sp2 प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो sp2 प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण होना ही sp2 प्रसंकरण कहलाता है। प्रत्येक sp2 प्रसंगित ऑर्बिटल में 33.33% s लक्षण और 33.33 जुट जाएगा 66.66%। तो जहां तक परसेंटेज कैरेक्टर का सवाल है, 33.33% s और 66.66% p लक्षण होगा। बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं सबके बीच का, दो sp2 प्रसंगित ऑर्बिटल के बीच का कोण 120 डिग्री का। और जहां तक अणु के आकार का सवाल है, त्रिभुजाकार है, यही कारण है कि इस प्रसंकरण का दूसरा नाम त्रिभुजाकार प्रसंकरण। तो ये था आपका क्लास sp2 प्रसंकरण के लिए। इसी तरह आगे के लिए हम लोग sp3 sp3d sp3d2 जब पूरा पढ़ लेंगे तो एक जबरदस्त नॉलेज अणु के आकार का होगा। एक ऐसा चीज आप पढ़ रहे हैं जो कभी लोअर सेक्शन के पढ़ाई में कभी नहीं मिला, अणु का आकार। धीरे धीरे हर तरह का आकार, चतुष्फलकीय आकृति कब बनती है, कब त्रिभुजाकार पिरामिडिया बनती है, कब त्रिभुजाकार द्वीप पिरामिडिया बनती है, अष्टफलकीय कब बनती है, पंचभुजीय द्वीप पिरामिडिया कब बनती है, सब धीरे धीरे अलग अलग प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन लेकर आ रहा है।